जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज भाई मंगलवार के दिन आप सब लोग बागेश्वर धाम में सिद्धपीठ के दर्शन कर लीजिए। अभी सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह के लाइव दर्शन आप लोग कर रहे हो, तो जिन जिन भक्तों के दर्शन हो जाए कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम ज़रूर लिखें। अभी दिखाता हूँ आपको भाई आज मंगलवार के दिन कितनी भीड़ है धाम पे। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं धाम पे, और कुछ श्रद्धालु देखो भाई सुबह सुबह जो दर्शन करके आए हैं यहाँ पे, जो जगा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, देख सकते हो। अभी क्या है कि मंदिर का कार्य निर्माण पे है, तो मंदिर तक आगे तक तो वहाँ पे जोत जगाने में थोड़ी बहुत शायद इनको प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये सब लोग यहाँ पे भगत भाई यहाँ पे भी जोत जगाते हैं। वैसे यहाँ पे जोत जगाना मेरे को तो उतना अच्छा नहीं लगता, आप बता देना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगता है, यहाँ पे बिल्कुल जोत जगानी चाहिए कि नहीं जगानी चाहिए। जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये भगवान बजरंगबली महाराज की गदा है, उसके बिल्कुल ठीक सामने जहाँ रेलिंग लगी ना, यहाँ पे भी जोत जगाते कुछ लोग भाई। और ये देख सकते हो आप लोगों भाई सुबह सुबह के दर्शन, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ आज की भीड़, आज के दिन कितनी भीड़ है बागेश्वर धाम में। ये देखो भाई बहुत सारे लोग आते हैं, जो जो बीच बीच में जैसे कोई भी परिक्रमा कर रहा है तो बीच में कभी 7 परिक्रमा होने पे, कभी 11 परिक्रमा होने पे ऐसे आकर के बागेश्वर धाम में यहाँ पे आकर के एक बार आकर के वो सब माथा जरूर टेकते हैं। और आप लोग देख सकते हो भाई भीड़ देखो कितनी भीड़ है, और जो परिक्रमा लगा रहे हो उन परिक्रमा लगाने वालों को भीड़ देखो भाई अभी आप। और अभी सुबह सुबह का समय है और बारिश भी आ रखी है, बहुत तेज बारिश हुई है भाई आज, देख सकते हैं आप हर जगह आपको गीला गीला दिखेगा। अभी बहुत तेज बारिश चल रही थी, जस्ट जब मैं नहा के आया तो पूरा भीग गया था, नहा के आने के बाद भी फिर दोबारा कपड़े चेंज करने पड़े, बहुत तेज बारिश आ रखी थी भाई आज। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है आज धाम पे। ये लो सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करो, जय हो गौ माता। दर्शन के 3 बजे के बाद क्या कह रहे हैं, जय हो माता, जय हो। देखो भाई भीड़ कितनी है बागेश्वर धाम में, और जस्ट गुरु जी भी पहुंचने वाले हैं, 18 तारीख को गुरु जी भी पहुंच जाएंगे धाम पे। देखो बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो अभी भी भीगे हैं तो वो बारिश में ही परिक्रमा लगा रहे हैं भाई। और आप लोग देख सकते हैं आज जस्ट सिरसा की कथा का समापन है, तो कल यहाँ धाम पे गुरुजी पहुँच जाएंगे, हो सकता है आज रात में ही पहुँच जाएंगे और कल सुबह सबको गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। गुरुजी के आते ही भाई सबको गुरुजी के दर्शन कराऊंगा, जैसे ही गुरुजी यहाँ पे आएंगे तो आते ही सब लोगों के आपके गुरुजी से मिल लेना भाई, गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही गुरुजी धाम पे आएंगे आते ही सबके दर्शन हो जाएंगे गुरुजी के, सबको दर्शन करवाएंगे गुरुजी के जैसे ही गुरुजी धाम पे आएंगे। अभी आप लोग देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे धाम पे, ये देखो कितनी भीड़ है। और कुछ लोग यहाँ पे देखो सुबह सुबह फूल माला ये सब बेचते रहते हैं, अगर कोई भी श्रद्धालु आता है उसको पूजा करनी है तो यहाँ पे आराम से उसको धूप प्रसाद फूल जो चाहिए आसानी से मिल सकता है, हर चीज़ धाम पे आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप भी धाम पे आओगे तो आपको सब चीज़ आसानी से मिल जाएंगी यहाँ पे भाई। और आप लोग भीड़ देख सकते हो परिक्रमा मार्ग में भीड़ कितनी है, और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ दर्शन की लाइन, दर्शन की लाइन कितनी लंबी है, चलो अभी आपको छोटा सा एक वो भी दिखा देते हैं झलक कि दर्शन की लाइन कितनी लंबी है। ये देखो भाई दर्शन के लिए लाइन, आप लोग भीड़ देख के सच में हैरान हो जाओगे। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, ये देख सकते हो आप, पूरा ग्रिलिंग पूरी ग्रिलिंग भरी हुई है यहाँ से लेके वहाँ तक, और उधर आगे दर्शन की लाइन, उधर कोने में दर्शन की लाइन देखोगे तो आप उधर भी दर्शन की लाइन में देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है। देख लो भाई भीड़ देख लो आप लोग सब लोग,
ये देखो भाई, ये चलते चलते हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हनुमान चालीसा आप कभी भी किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हो भाई, जहाँ भी आपको स्टेबल लगे, कहीं भी आपको संभव लगे, वहीं आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। ये तो खुद गुरु जी ने बताया है कि हनुमान चालीसा आप कभी भी पढ़ सकते हो, जहाँ जब भी आपका मन करे। ऐसे दर्शन की लाइन में लगे हैं और ज़्यादा अच्छा है कि भगवान के करीब जाते जा रहे हैं और भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। आप ऐसे दर्शन की लाइन में लगे हों तो सबसे अच्छा तरीका है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आप दर्शन के लिए भी जाते रहेंगे और साथ साथ आप बालाजी महाराज का नाम भी लेते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे भाई किताबें भी आपको बेचते हुए मिल जाएंगे, जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ऐसे बहुत सारी किताबें आपको कुछ लोग यहाँ पे बेचते हुए मिल जाएंगे। आप लोग वाकई में भाई देख सकते हो, भीड़ देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करीब इनका एक घंटे में नंबर आने वाला दर्शन का, और जब एक घंटे की लाइन लगने के बाद दर्शन का नंबर आएगा तो सोचो आँखों में कितनी खुशी होगी। ये जो भगत तपस्या कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं भाई भगत वाकई में, और जब इस तपस्या का फल मिलेगा तो सोचो सभी भगतों के चेहरे पे कितनी खुशी होगी। और बाकायदा सब बारिश में भीग भीग के सबने परिक्रमा करी है, बारिश में भीगने के बाद सब लोगों का दर्शन करने के लिए नंबर आया है। अभी भी जस्ट बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, करीब आधा घंटा पहले ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हुई है आधा घंटा पहले ही। बागेश्वर धाम, जय श्री राम, ओम बागेश्वर आय नमः। देख सकते हो भाई, और ये देखो, चलो आपको मंदिर दर्शन के लिए दिखाता हूँ, मंदिर दर्शन के लिए कैसे हो रहे हैं। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है मंदिर दर्शन के लिए। यहाँ पे भी कुछ लोग भाई ऐसे ही बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अच्छा है। बहुत सारे लोग आकर के, कोई 21 हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई 41, जैसा जिसका मन करे वैसे सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते। और देखो लाइन तो लगी ही है साथ में, लाइन लगने के बाद ये देखो कितनी भीड़ में, तो कितनी लंबी लाइन लगी है भाई, और यहाँ पे बाहर भी लाइन लगनी स्टार्ट हो गई। जैसे जिन जिन की परिक्रमा पूरी हो जाती है ना, वो सब लोग दर्शन के लिए आ जाते हैं, वो सब लोग भाई जिन जिन की भी परिक्रमा पूरी हो गई वो सब यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं। चलो अभी आपको दिखाते हैं मंदिर की दर्शन की लाइन, यहाँ से आपको सीताराम, यहाँ से भाई आपको नारियल प्राप्त होगा, सिद्ध नारियल। जब आप घर पे लेके जाना चाहें तो उसको ले जा सकते हो, पर इसके नियम है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। उसके बाद ये भाई देंगे आपको नारियल, नारियल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। सीताराम नारियल का कोई पैसा है नहीं, नारियल का कोई पैसा, केवल कपड़े का है, ठीक ठीक, ओनली कपड़े और लोगों का, कपड़े और लोगों का नारियल निशुल्क है, सीधा नारियल है। और जैसे नारियल लेके जाए, बताओ थोड़ा बहुत, ये जो सिद्ध के रखा है, सिद्ध अमंत्रित नारियल है, घर में जाने के लिए पूजा मंदिर में रखना है, उसको पूजा करना है, सुबह शाम धूपबत्ती आरती दिखाना है, सब जानकारी के लिए वो खिड़की में जो है। और इसके लिए नियम क्या है जो घर पे लेके जाएंगे? लहसुन प्याज मांस मदिरा नहीं खाना है भैया, ठीक है। जो घर पे उसका यूज नहीं होना चाहिए लहसुन प्याज का, जब भी इसको लेके जाए। सीताराम का पांच लोग लाल कपड़ा, ये लाल कपड़ा, सिंदूर लगता है, और गुरु जी खुद इसको अभिमंत्रित करते हैं नारियल को। जय श्री राम भाई। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ भाई मंदिर की भीड़। अब देखो बारिश कितनी तेज आ रखी थी ना, बहुत सारे लोगों ने क्या है कि दुकानों को कवर कर दिया था भाई, कि बारिश में भीगे नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी आज सुबह। ये देख सकते हो आप पानी, देखो भाई कितना तेज पानी था यहाँ पे, देख सकते हो कितना तेज पानी था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भाई, अभी कुछ लोगों ने दुकानें फिर से खोल दी, पर कवर कर रखा है इन्होंने भी, ऊपर से कवर कर रखा है बारिश से बचने के लिए। ये देखो भाई, ये भाई तो यही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय श्री राम भाई, जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम,
और यहाँ से देख सकते हो भाई आप भीड़। अभी ये सब जा रहे हैं दर्शन की लाइन के लिए, मंदिर की लाइन के लिए जा रहे हैं ये सभी भाई। ऐसे ही कर कर के छोड़ रहे हैं, जैसे एक बार में 20-30-40 आदमियों को छोड़ देंगे उधर से, क्योंकि ज़्यादा मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए थोड़े थोड़े करके छोड़ रहे हैं। जैसे ये लाइन थोड़ा आगे बढ़ेगी ना, तब वहाँ से फिर से छोड़ देंगे कि आगे एकदम से मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो, कि ज़्यादा भगदड़ ना मिले और आराम से सभी भक्तों के दर्शन हो सके। क्योंकि कोई भी है अगर 1.5-2 घंटा लाइन में लग के आया है और उसके दर्शन अच्छे से ना हो पाए तो उसको कैसा लगेगा। इसलिए भाई आराम आराम से करके सबको छोड़ रहे हैं ताकि सबके दर्शन हो सके। और यहाँ पे भी एक भाई ये लाइन खड़े हुए हैं कि कोई लाइन क्रॉस ना करे, सब लोग आराम से धीरे धीरे करके लाइन में दर्शन करें, ऐसे सब लोगों के दर्शन होते रहेंगे। सुरक्षा बल भी है भाई कि कहीं कोई झगड़ा वगड़ा ना करे, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो शनिवार को मंगलवार को थोड़ा बहुत हमारे लिए सुरक्षा बल भी आता है कि आप लोग बिल्कुल सेफ रहो सभी। जय श्री राम भाई। ये भाई भी हैं भाई, कहीं कोई लाइन क्रॉस ना करे, जो कहीं कहीं घंटे से लाइन में लगे हुए ना, कहीं उनके लिए परेशानी ना हो। सब लोगों को समान है कि देखो भगवान तो सब लोगों के लिए समान ही होते हैं, किसी के लिए कोई फर्क नहीं होता। भगवान के मन में तो हम सब बच्चे हैं, तो इसीलिए ये सब भी भाई एक तरह से सुरक्षा में है। देखो खुल गई भाई, ये दोनों दुकानें भी खुल चुकी हैं, अभी इन्होंने भी कपड़ा ऊपर कर दिया है। आज बारिश बहुत तेज है भाई, बारिश बहुत तेज़ थी आज। ये अभी आपको दिखाते हैं, देखो कितनी तेज बारिश थी। ये देखो सामने जो आपको बाबा दिख रहे हैं, ये पीले कपड़े में, ये भीगे हुए हैं, इनके कपड़े आपको दिख रहे हैं भाई, ये भीगे हुए हैं। हो गया वो भाई पूछ कह रहे हैं कि आप अंदर जा कर के पूछ लो। हो गया हो गया, बता दिया सबको, बता दिया भाई, पता चल गया। ओके सीताराम। ये देखो भाई भीगे हुए हैं, बहुत सारे लोग भीग भीग के आए हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग भीगे हुए हैं देख सकते हो। और ये देखो भाई रे भीड़ देख सकते हो आप परिक्रमा मार्ग में भीड़ जिन, और सुबह से करीब रात के 12 या 1 बजे को ही कुछ लोग तो परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे सुबह सुबह 4 बजे दर्शन हो सकें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि रात में ही मेहनत करते, रात में ही नहा धो करके, रात में जैसे 1-2 बजे नहा करके तभी परिक्रमा शुरू कर देते हैं, और फिर ताकि सुबह सुबह उनके 4 बजे आरती के समय दर्शन हो सके। बहुत सारे लोग तो ये भी मेहनत करते हैं। आप भी देखो भाई भीड़ देख सकते हो आप लोग, सभी लोगों की तपस्या देख सकते हो, कितना कष्ट सह रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं बालाजी महाराज से मिलने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। और जो भी भगत भाई मेहनत कर रहे हैं उनको बालाजी महाराज उनकी मेहनत का, उनकी तपस्या का फल जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को तपस्या का फल नहीं मिलेगा, सबको तपस्या का फल मिलेगा इनकी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि उसको तपस्या का फल ना मिले, सबको तपस्या का फल बालाजी महाराज जरूर देंगे। और अभी एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है भाई, यहाँ पे धूप के समय में क्या होता है कि गर्मी बहुत तेज होती है तो सबके दर्शन अच्छे से हो नहीं पाते, पर देखो बीच में पेड़ लगा दिए हैं, बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं अभी यहाँ पे। जैसे ही ये पेड़ बड़े होंगे तो क्या होगा कि जो धूप है ना, ये धूप को कवर कर लेंगे, आप लोग आराम से परिक्रमा लगा पाएंगे धूप के समय भी। यहाँ पे पूरे परिक्रमा मार्ग में पेड़ों से भर दिया गया है, बस कुछ साल में 2 साल में ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा भाई, परिक्रमा मार्ग में धूप नहीं रहेगी। और तो छायादार पेड़ हैं ये पूरे, देख सकते हो आप लोग कितने बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, जैसे ही ये बढ़ेंगे तो पूरी छाया ही छाया होगी हर तरफ। और ये देखो भाई लेट लेट के लगा रहे हैं, अरे इनकी तपस्या देखो आप लोग। वाकई में भाई मान सकते हैं भाई लोगों की भक्ति,
पूरा बारिश के मौसम में भी लेट लेट करके परिक्रमा कर रहे हैं भाई। दुआ करना भाई, इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। एक छोटी सी दुआ तो जरूर करना बालाजी महाराज से कि इनकी दुआ, इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। देख सकते हो आप सब लोग भाई कितनी तपस्या कर रहे हैं ये वाक्य में भाई। सब लोग जरूर मन में दुआ करना बालाजी महाराज से कि उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। और कमेंट में भी आप जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम लिख सकते हो भाई अगर आपकी इच्छा हो तो। पर दुआ जरूर करना इन भाई के लिए मन में कि उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। देख सकते हो कि इतनी बारिश के मौसम में भी ऐसे लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं ये भाई। इसके साथ में शायद इनकी धर्मपत्नी है जो इनका साथ दे रही है। रास्ते में भीड़ काफी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और भाई ऐसे भक्तों को देख करके दिल में जोशा जगता है कि हाँ देखो कैसे भक्ति कर रहे हैं ये लोग, कितनी तपस्या कर रहे हैं। और बालाजी महाराज इनको इनकी तपस्या का फल जरूर देंगे भाई। इनकी जो भी मनोकामना होगी बालाजी महाराज जरूर पूरी करेंगे इनकी मनोकामना। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, वाकई में भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो अभी अभी मंदिर पे चलते हैं, आपको मंदिर के आसपास के जो दर्शन है वो दिखाते हैं। मंदिर के दर्शन, मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ तक हुआ है, कैसा हुआ है, चलो अभी वहाँ चलते हैं। ये बक और देख सकते हो आप लोग भाई जो लेट करके परिक्रमा कर रहे हैं। और इनके साथ में एक भगत और है जो लेट करके परिक्रमा कर रहे हैं। वाकई में भाई इन भक्तों की भक्ति देखने को बनती है भाई। देखो भाई वाकई में इनकी तपस्या का फल इन्हें जरूर मिलेगा, बालाजी महाराज इन पर कृपा जरूर करेंगे। अच्छा ये आगे निकलने वाले उनसे लंबे हो वो। जय श्री राम। देखो भाई लेट लेट के कर रहा है भाई पूरी भक्ति। और बारिश का मौसम है, ये नहीं कि नॉर्मल मौसम है, बारिश का मौसम है। कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है फिर बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। और मन ही मन बालाजी महाराज का जाप भी कर रहे हैं भाई। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से दिख रहे हैं भाई। देख सकते हो आप लोग परिक्रमा पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं भाई। वो भाई काफ़ी लंबे हैं तो वो आगे निकल चुके हैं। ये थोड़ा सा उनको लेट लेट के परिक्रमा करना है। कैसा होता है जैसे जहाँ तक लेते हैं ना वहीं से फिर से शुरू कर करके दोबारा फिर वहीं तक लेटेंगे, ऐसे परिक्रमा लगाएंगे भाई। देख सकते हो भाई वाकई में भगत बहुत मेहनत कर रहा है भाई। इनके लिए दुआ जरूर करना भाइयों की इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो सके। सभी लोग दुआ जरूर करना। जय गौ माता, जय गौ माता। नहीं गौ माता नाराज़ होगी भाई। ठीक है गौ माता इनके लिए दुआ करना, ये इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। सभी लोग भाई जवाब जरूर मन में दुआ करना इनके लिए कि हे बालाजी महाराज इनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। देख सकते हो आप लोग भाई कितने भगत हैं जो कितनी तपस्या कर रहे हैं भाई। वाकई में इनकी तपस्या बहुत मेहनत वाली भाई, इतना आसान काम नहीं है इतनी बारिश में ऐसे तपस्या करना परिक्रमा करना। देख सकते हो आप लोग अभी भी कितनी भीड़ है भाई। और जिन जिन लोगों की परिक्रमा पूरी हो जाती है वो फिर बाद में जा करके मंदिर के दर्शन की लाइन में लगते हैं, और जब तक परिक्रमा चलती है तब तक चलती रहती है। जय श्री राम।
आज के दिन महाप्रसाद के साथी भगवी जी का वितरण होता है। आप सभी भक्त एक समान हैं, क्योंकि सभी लोग महाप्रसाद के साथ में ही सिंह भगवान को भगवी जी को प्राप्त करेंगे। जो स्वयं होगा विश्वनाथ भगवी जी का वितरण कार्यक्रम उनके द्वारा से हो रहा है। सभी लोग महाप्रसाद के साथ भगवी जी को प्राप्त करें। जो स्वयं होगा विश्वनाथ वो क्या नाम है प्रकाश तो देखो भाई, कुछ लोग यहाँ पे बालाजी महाराज का झंडा भी बेच रहे हैं। ये देखो भाई, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। ए गौ माता, मैंने मेरा बैग उलझा लिया था यार, बचिया। जय बालाजी सरकार की, जय बागेश्वर धाम की, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे, कोई कोई छोटा मोटा कुछ कुछ बेचता रहता है, कोई कुछ बेचता रहता है। सब लोग भाई भक्ति में लगे ही रहते हैं। अगर कोई भी आता है ना मंगलवार और शनिवार के दिन, तो वाकई में भाई भक्ति में मगन हो जाता है। और ये देखो, ये चंदा बेच रहे हैं। जय श्री राम, सीताराम बोलते रहिए साधु जी, सीताराम बोलना परम आवश्यक है भैया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सीताराम बोलते रहिए भैया, सब लोग भाई बातें जोड़ा भैया, सीताराम बोलो, सीताराम जय श्री राम, सीताराम बोलते रहिए, सीताराम सीताराम बोलना जरूरी है भैया, सीताराम बोलते रहिए साधु जी, सीताराम बोलते रहो भैया, सीताराम। हाँ भैया, सीताराम बोलते रहिए भैया, सीताराम बोलते रहिए भैया, सीताराम महाराज की, सीताराम बोलते रहिए साधु जी, सीताराम सीताराम बोलते रहो भैया, सीताराम सीताराम बोलना परम आवश्यक है भैया, सीताराम बोलते रहिए। वाह भाई, ये भगत तो वाकई में भाई बालाजी महाराज की भक्ति में लीन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई। और देखो इधर एक माता भाई, ये फूल पत्तर प्रसाद धूपबत्ती सब बेच रहे हैं भाई। जो भी आपको चाहिए वो आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। जय श्री राम भाई। यहाँ पे आपको ऐसे हर जगह कोई ना कोई भाई भक्ति करता हुआ मिल ही जाएगा। और इधर यहाँ पे है भभूति मिल रही है। भभूति मंगलवार को और शनिवार को आपको महाप्रसाद के साथ में ही भभूति प्राप्त होती है। यहाँ भभूति प्राप्त हो रही है महाप्रसाद के साथ में। इधर से भी भभूति प्राप्त हो रही है, इधर से, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से आपको भभूति प्राप्त हो रही है। चलो लो भाई, फिर से आपको बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ के दर्शन कराते हैं। चलिए ये लो भाई, चलो बागेश्वर धाम के दर्शन। यह आप लोगों को लाइव दर्शन हो रहे हैं। और जिन जिन भक्तों के दर्शन हो गए हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं। जय श्री राम माते। बहुत से हैं भाई जो ऐसे ही यहाँ पे भक्ति करते रहते हैं। मस्त है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहाँ पे?
कुछ लोग यहाँ पे भाई सिलाजित भी बेच रहे हैं। अच्छा एक बात तो, सिलाजित की पहचान क्या होती है भाई ओरिजिनल की? इसकी पहचान होती है भाई, इसे जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, इसके बाद में जितना खींचेगा उतना खींचेगा, बारीक सा बारीक तार बनता चलाएगा। अच्छा ये होती है इसकी पहचान। एक बार करके दिखाओ थोड़ा। वाह टूट भी गया, ये टूटेगा भी ऐसे है? हाँ भाई बिल्कुल कांच की तरह, ये बारिश की वजह से और चिपक रहा है, नहीं तो पूरा सही रहता। हाँ आज बारिश काफ़ी होगी भाई, बहुत तेज होगी, वजह से बारिश में थोड़ा परेशान हो ही गए लोग। क्या आज ठंड लग रही भाई को है? नहीं, भाई को नहीं, सबको ही लग रही है। बारिश के मौसम में भाई ठंड हो ही जाती है, मुझे नहीं लग रही ठंड। और ये भाई को पूरा अभी मेहनत कर रहे हैं केसर की। एक मिनट पहले ये चला जितनी बताते हैं भाई, ये देखो भाई जला रहे हैं इसको, कितनी देर तक जलाते हैं, इसमें आग नहीं जलेगी है? ये देखो मतलब बुलबुले उठने लगे पर आग नहीं लगी इसमें भाई। नहीं नहीं ये देखो जितना खींचेगा, देखो अगर ध्यान से देखोगे भाई धागा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये देखो जितना गर्म रहेगा उतना खींचेगा, ये देखो धागा खींच रहा है भाई, ये देखो ये होता है, ये ओरिजिनल की पहचान है, ये होती है ओरिजिनल। ये देखो भाई धागा सा पूरा हल्का दिख रहा होगा, ये देखो जरा 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 शिलाजीत भाई। और ये ले भाई खा के दिखाओ कैसा लगेगा, ये उनको ही खिलाओ आप। अरे टेस्ट तो करके देखो कौन टेस्ट कराओ, करना चाहो कोई भाई टेस्ट, इसका स्वाद टेस्ट करना चाहो कैसा है, खा के बताओ कैसा लगता है ये? अच्छा है। कैसा, खट्टा मीठा कड़वा? कड़वा लग रहा है। कैसा? कड़वा। कड़वा लग रहा है। अच्छा कोई भी अच्छा होगा तो हल्का कड़वा लगेगा। अच्छा कड़वा लगेगा। हल्का की ज्यादा कड़वा होता है? ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा कड़वा लगेगा। अफीम होता है क्या नाम है? ज्यादा कड़वा, कड़वी ज्यादा कड़वी होती है। और जैसे केसर भी है, केसर की असली पहचान? इसकी ओरिजिनल पहचान, इसकी पहचान पानी में होती है। वायरल वीडियो बन गई थी, क्या नाम है, हरिद्वार में, इसकी पहचान पानी में, पानी मैंने प्यार है। ये ले भाई पानी भी है, हाथ पर रखो भाई। ये धीमे धीमे कलर छोड़ेगा जी। क्या है गुड़ सर? ये सिलाजीत है भैया। क्या है? 250 ग्राम। अच्छा अब छोड़ने लगे थोड़ा थोड़ा कलर, भाई पहले नहीं छोड़ रहा था, धीरे धीरे येलो होने लग गया, मतलब पिंक टाइप में है धीरे धीरे। और ये कितने, ये डब्बी कितने ग्राम की है पूरी? ये ग्राम एक डब्बी होता है, ये पूरा एक ग्राम है। हाँ। अच्छा ये कहाँ से लाइए, कश्मीर की है? कहाँ? कश्मीर की है। नेपाल का होता है, केसर तो कश्मीर में ही होता है केसर। नहीं हमारे गांव में भी हुई थी केसर, लगाई थी हमने, खेती हुई थी, पूरे बीज बेचे थे उसके। कहाँ से हो भाई आप? जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान में हुई थी ये? अरे भाई सब लगाई थी पूरी, और बीज तो थे ना राजस्थान वाले, वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, अफीम केसर का सिलाजीत वो कुछ भी उगा सकते हैं। ज्यादातर राजस्थान गुजरात में अफीम का वो मिलता है ना लाइसेंस? गुजरात में नहीं, राजस्थान मेवाड़ में मिलता है। अच्छा ओनली राजस्थान मेवाड़ में? पूरे राजस्थान में नहीं, केवल मेवाड़ में? मेवाड़ में होती है उसकी खेती। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मेवाड़ की मतलब जलवायु उसके लिए सबसे बढ़िया है? अरे मैंने नहीं दिखाया नहीं लास्ट में यार। हाँ हो गया था, थोड़ा थोड़ा पिंक हो गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारे वाले से होती तो पूरे राजस्थान में अफीम।
ये क्या है भाई, इसमें क्या है? ये कर दिया आपका, ये कर दिया। इसमें क्या चीज है? इसमें हिंग गोली है, गैसेस वाली गोली, पाचन शक्ति के लिए। क्या चीज? और भाई ने कुछ ले भी लिया भाई, ये 20 ग्राम ये आपने लिया है? ये आपने लिया है? अभी भाव तोल कर रहे हैं, भाव तोल कर रहे हैं अभी। पक्का राजस्थानी है? तो राजस्थानी कहाँ यार, गुजराती है। सही से बोल, सही बताया भाई, गलत कर देने के बाद भाव तोल कर रहा है भाई। ये 100 रुपये ठीक है, कितना दें यश भाई दोनों का? दोनों का कितना दें? 200 दो, ठीक है। दर्शन कैसे हुए तुम ये बताओ, हो गए दर्शन? चलो जय श्री राम भाई। ठीक है भाई, जय श्री राम। सीताराम महाराज, सीताराम। ऐसे बहुत सारे लोग भाई कुछ ना कुछ करते हुए मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा लगेगा भाई। जब भी अगर कभी आप धाम पे आओगे ना, ताकि मैं वाकई आपको शांति का अनुभव होगा यहाँ पे। भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हैं भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये भाई हाथ पे बांधने वाला कलावा, और कितना लंबा हद होगा। कोई भी ले लो, कोई भी एक 10 रुपए का। ये देखो भाई, कैसा भी ले सकते हो आप, जैसा भी कलावा चाहो। सब अलग अलग टाइप के भाई को, अगर आप बारीक लेना चाहो तो बारीक भी, और थोड़ा लंबा मोटा लेना। ये पट्टी टाइप में है, बागेश्वर धाम की पट्टी। ठीक, ये बागेश्वर धाम की पट्टी। ये नॉर्मल डोर कमर में बांधने के लिए, अच्छा तगड़ी बोलते जिसको। ठीक ठीक ठीक। ये हाथ में बांधने का कलावा? नहीं, ये वाला है जैसे जी हाथ में बांधने, दाएं हाथ में बांधने। अच्छा अच्छा, तब कुछ वो मंत्र बांध देंगे। महाराज जी बताते हैं कि काला धागा, पीला धागा, लाल धागा, अलग अलग बताते हैं राशि के ऊपर। अच्छा, जिनको जैसा बताते हैं उनको वैसा ही, जिसका जो नियम है। और जैसे जी पतला वाला है, हाँ हाँ, ऐसे पैर में बांधा जाता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये जो पतले वाला है वो पैर में बांधते हैं। नज़र हाइट हीट नहीं बैठती है, नज़र से बचने के लिए ही। काला और पीले वाला? पीला वाला अपना ये है, मंदिर का जैसे ताबीज भभूति गले में पहने। ठीक ठीक। अच्छा, स्पेशल बागेश्वर धाम के लिए पीले वाला? पीला, लाल, हाँ हाँ, और सिंदूरी भगवा। ठीक ठीक ठीक। ये वाला, हेलो भाई, मुझे कम पता था कलाओं के बारे में, पर आज पता चल गया भाई। हो सकता है आप लोगों को पता चल गया होगा भाई कलाओं के बारे में, बाकी अगर कुछ बचेगा तो फिर धीरे धीरे आप लोगों को बताते ही रहेंगे। क्यों, जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। यहाँ भी देख सकते हो भाई कितनी भीड़ है मंदिर के जिस जस्ट सामने, बिल्कुल मंदिर के सामने। वो उधर मंदिर है सामने, आप लोगों को मंदिर दिख रहा है, ये देखो उधर मंदिर है, वो राम मंदिर। और मंदिर के ठीक सामने इधर, यहाँ भी बहुत भीड़ है भाई। कोई फूलमाला बेच रहा है, कोई प्रसाद, ऐसे बहुत। तो ये देखो भाई, ये भाई चाय बेच रहे हैं, राजस्थान के हैं। यहाँ पे कुछ लोग ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, और ये देखो भाई रुद्राक्ष, कुछ यहाँ पे रुद्राक्ष भी बेच रहे हैं। जय श्री राम। रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है, असली रुद्राक्ष? सिक्के में घूम जाएगा, पानी में डूब जाएगा। अच्छा, अगर एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखेंगे तो अपने आप घूमेगा? अपने आप। यारे बच्चे ले लो, आप देख
रुद्राक्ष लेके जा धाम के चीजें, धाम के आए हो तो लेके जा। कितना ये जैसे पेड़ के साथ में लगा है कि बाद में जोड़ा है? पेड़ में लगा, वैसा का वैसा ही लेके आए हो टहनी के साथ में जो पेड़ में लगा हुआ था? वो लगे रहता है, छिलका लगा रहता है, छिलका भी तो लगा रहता है। छिलका कबर वाला ऐसा होता, कबर होता है। ये देखो ये फल है, ये तो लगा है, ये रुद्राक्ष का फल है भाई, दे दो हमको। इसके अंदर फल लगता है, ये तो शायद इन्होंने बाद में जोड़ रखा है, मेरे को कन्फर्म पर नहीं पता भाई, पर रुद्राक्ष ये ओरिजिनल है इनके, इतना थोड़ा बहुत मेरे को पता है, रुद्राक्ष ओरिजिनल है ये, इन्होंने लगा रखे ना। और ये रुद्राक्ष ये इंडिया में केवल सिक्किम साइड में ये रुद्राक्ष मिलेगा, तो देखो ये रुद्राक्ष उत्तराखंड में कम मिलता है, ये सिक्किम साइड का रुद्राक्ष है, ये जो इसके ये है ना दाने से, ये उस साइड का रुद्राक्ष है भाई। और बाकी हाँ ये देखो ये जो ये सारे रुद्राक्ष है, ये उत्तराखंड के वहाँ के रुद्राक्ष है। हेलो दीदी, धन्यवाद, जय श्री राम। लेना हाँ ले लेंगे, अगर लेना होगा तो जरूर लेंगे आपसे। आंटी बेटी लेके गए हैं बाल ना, आंटी बेटी। ऐसे बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे कोई रुद्राक्ष देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे। चलो अभी आपको भाई राम दरबार के दर्शन कराते हैं यार। अभी बारिश की वजह से थोड़ा पानी हो रखा है यहाँ पे, और ये देखो बारिश इतनी तेज हुई ना सुबह सुबह, यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा है भाई। यहाँ पे कल काम चलना था, वो देखो काम चल रहा था, पर फिर से बारिश होगी तो अब फिर से इसको पानी को निकालेंगे मोटर बांध करके, तब जाके दोबारा यहाँ पे काम होगा। अभी देख सकते हो आप लोग भाई कितना पानी भर गया, वो ईंटें ईंटें दिख रही ना, तो फर्श को ऊँचा कर रहे थे कि पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो, निकलता रहे। पर अभी जैसे बालाजी महाराज की इच्छा वही होगा भाई, उनकी इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। ये लो भाई आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। आज शाम को गुरुजी यहाँ पे पहुँच जाएंगे, कल आप सब लोगों को गुरुजी के दर्शन जरूर होंगे। ये है हमारा राम दरबार। चलो भाई अभी आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ राम दरबार के अंदर, और आपको राम दरबार में दर्शन कराता हूँ रामलला जी के। चल रहे हैं हम राम दरबार में, और आपको लेके चलता हूँ मैं दरबार तक, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी है वहाँ पे जाके आप सब लोगों के दर्शन कराता हूँ। और अगर आप लोग दर्शन कर ले तो जाकर कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना भाई। चलो आप लोगों को सीधा सन्यासी बाबा के दर्शन कराते हैं अभी, और आप लोग भाई कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। अभी गुरु जी आने वाले हैं कल, तो आज यहाँ पे भीड़ बढ़ने वाली है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है अभी। उसमें अश्वत्थामा जो है लो भाई, सामने है सन्यासी बाबा, आप दर्शन कर सकते हो। और इधर गुरु जी की पेंटिंग है कितनी अच्छी भाई।
लो भाई, सामने आपको गुरु जी की गद्दी के दर्शन हो रहे हैं जी, राम दरबार के दर्शन हो रहे हैं आप लोगों के लाइव, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं भाई मेरे प्यार से। आज मंगलवार के दिन आप लोगों के लाइव दर्शन कराए हैं, तो कमेंट में जय बागेश्वर राम जरूर लिखें। और भाई जय जो भाई इतनी तपस्या करके यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, जो नॉर्मल परिक्रमा करते हैं, फिर कई घंटे तक लाइन में लग के उनके दर्शन होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ी मन में दुआ जरूर किया करो कि उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो। अगर आप लोग उनके लिए दुआ करोगे तो बालाजी महाराज आपकी भी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। सब पे कृपा बनी रहे, जय बागेश्वर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।